पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं सिद्धार्थनगर में 37 नए कोरोना पॉजिटिव के केस मिले हैं। जिले में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 492 पहुंच गया है। 164 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं उपचार के बाद 278 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 37 नए केस मिले हैं सिद्धार्थनगर में। जिले में संक्रमितों की संख्या इसी के साथ 452 पहुंच गई है। 164 संक्रमित मरीजों का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। वहीं इलाज के बाद 268 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक राहत की खबर है। अब तक 10 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। अनिल तिवारी हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? जी अदिति, बताना चाहूंगा कि बीते एक सप्ताह से सिद्धार्थनगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बड़ी तेजी से ग्राफ बढ़ा है। बीते दो दिन पहले 19 जुलाई को जहां 41 मरीज यहां पर चिन्हित हुए थे, वहीं आज 37 मरीज संक्रमित मरीज यहां चिन्हित हुए हैं। और इनमें से अभी तक कुल संक्रमित मरीजों की बात करें तो 452 लोगों यहां से चिन्हित हो चुके हैं, जिनमें से 164 अभी फिलहाल एक्टिव मरीज हैं और 278 मरीज ऐसे हैं जो कि उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। यदि कुल मौतों की बात करें तो अभी तक कुल 10 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जी अदिति, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।